पाली रोहट उपकरण क्षेत्र में ऐसे भी गांव ढाणी हैं जहां आज भी कई जलदाय विभाग द्वारा पानी लाइन नहीं बिछाई गई, न ही एलआर बने हुए हैं। जांच पड़ताल की गई तो रोहट उपखंड क्षेत्र के कुलथाना पंचायत के ठीकना गांव व सरगोरी की ढाणी में आज भी पाइप लाइन नहीं बिछाई गई, न ही जीएलआर बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब से गांव बसा तब से आज तक गांव में मीठा पानी नहीं आया। गर्मी टाइम में सरकार द्वारा दो टैंकर भेजते लेकिन पशुओं व जनता तक आवश्यकता के अनुसार नहीं पहुंचता। यदि आपातकालीन में टंकी जयपुर से मंगवाते हैं तो 15 से 2 हजार रूपए तक का दाम वसूला जाता है। इसी ग्रामीणों को पानी के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। पूर्व विधायक भीमराज टाडी का कहना है कि पूर्व में कई बार पाइपलाइन व जीएलआर निर्माण के लिए पूर्व सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया लेकिन किसी ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। चुनाव के समय नेता लोग घोषणा करके चले जाते हैं फिर 5 साल तक सामने नहीं आते। रोहट क्षेत्र के एक ओर पानी के लिए जूझ रहा है तो दूसरी ओर गांव में पानी की सप्लाई के लिए सरकारी टैंकर बीच रास्ते में ही निजी टैंकी भरवा रहे, पशुओं की बोरियां खाली पड़ी हैं। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, आखिर यह सब कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट। का काम देखने तो पानी का पूछा था, मारे तो पानी चाहिए, प्योर पानी को नहीं, पीने का पानी नहीं है। और फिर अपन ये जो सरकारी अफसर है ना मदन सिंह जी, ये सरकारी अफसर सब इस अशोक गहलोत के बेचारे अशोक गहलोत की राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का धंधा कर रहे हैं। वहाँ कांग्रेस की सरकार तो गरीबों को रोजगार देना चाहती है, ये रोजगार मजदूर घर में बैठे हैं, काम में बैठे हैं। यहाँ आपके यहाँ 100-150 मजदूर लगे हुए हैं, और मजदूर बैठे हैं गाँव में, और मजदूर लगा सकते हैं, और कोई काम खोल सकते हैं। पीने का पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने पूरी छूट दे रखी है कि जो कुछ करना है करो, लेकिन अभी ये तो पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। पीने का पानी बिक रहा है, वो नहीं पीने का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं। कुलथाना के नजदीक गांव कुलथाना पंचायत हेडक्वार्टर, उसके बावजूद पीने का पानी नहीं है। जगह जगह हर गांव में पीने के पानी की इतनी समस्या। अब आपने सुनी बात में दिख रहा, ठीक है। अच्छा, लोगों को मजदूरी नहीं, वो 2019 में लोगों ने जिन्होंने औरतों ने मजदूरी करी उनके 2019 के पेमेंट नहीं आए कई लोगों के, वो अभी चल रहे हैं पेंडिंग। पेंडिंग चले तो जहाँ सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ कहता है एक मिनट को यही ना बोलो, कोई बात क्या, एक ही बात होनी चाहिए, हमारी बात होनी लोगों ने है बोल लो है बोल तू बोल भाई और पौने रो संदेश करो पहले जी, आप भिंडर में खड़े हैं और ये महिलाएं जी भिंडर की जो श्रमिक है वो पानी की समस्या बता रही है कि भाई पानी हमको